अनदर ट्रैवल ब्लॉग अबाउट कश्मीर। तो हम लोग कश्मीर आए हुए थे एंड दिस इज द वीडियो ऑफ आवर डे टू। दैट इज इस वीडियो में हम आपको पूरा श्रीनगर का टूर कराएंगे। हम श्रीनगर में कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, यहाँ पे क्या क्या जगह हैं घूमने के लिए, इस वीडियो में हम आपको पूरा दिखाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी हम जा रहे हैं कश्मीर की हाट यानी कि श्रीनगर। पूरा श्रीनगर को एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग जल्दी ही निकल गए थे अपने होटल रूम से और ब्रेकफास्ट हम लोग होटल में ही किए थे क्योंकि होटल में ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूडेड रहता है। तो हम मिस भी क्यों करें, इसलिए हम अभी जा रहे हैं पहले तो शंकराचार्य टेम्पल। सामने जो माउंटेन दिख रहा है उसके ऊपर में एक शिव जी का टेम्पल है, उसको बोलते हैं। जब हम शंकराचार्य टेम्पल की ओर जा रहे थे तो बीच में हम डल लेक को क्रॉस करके जा रहे थे। लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे होंगे कि डल लेक में कितने सारे बोट्स खड़े हैं और हाउस बोट्स भी इधर से दिख रहा है। प्लेन एरिया में आता है लेकिन अभी हम जा रहे हैं श्री शंकराचार्य टेम्पल जो कि थोड़ा सा हाइट पे है और श्रीनगर से ये लगभग 300 मीटर हाइट पे है और इसके डिस्टेंस की बात की जाए तो ये लगभग 5.5 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। जैसे कि हम लोग टूर पैकेज के थ्रू ट्रैवल कर रहे थे तो हम लोग अभी इसी गाड़ी में ही पूरा 7 दिन घूमने वाले हैं। तो ड्राइवर वाले भैया भी एकदम टाइम पे ही आते थे इसीलिए हम लोग जल्दी निकल गए श्री शंकराचार्य टेम्पल की ओर, क्योंकि इधर जल्दी आना पड़ता है क्योंकि अगर लेट से आएंगे तो भीड़ तो हो जाता है और ट्रैफिक जाम भी हो जाता है। अभी हम पहुंच गए हैं श्री शंकराचार्य टेम्पल का जो नीचे वाला जगह है उस पे, क्योंकि यहाँ पे हमको सीढ़ी पे चढ़ना है और यहाँ पे लगभग 250 क्योंकि ये मंदिर बहुत हाइट पे है तो इसीलिए थोड़ा सा ही चढ़ने पे हमको जैसे लग रहा था कि इधर तो सांस अटक ही जाएगा, इसलिए धीरे धीरे करके हम लोग कैसी भी करके चढ़ गए। फिर उधर ऊपर आके थोड़ा सा लाइन में खड़े होने के बाद फाइनली प्रभु जी का दर्शन कर लिए थे और हम लोग अभी एंजॉय कर रहे थे ऊपर से पूरा श्रीनगर का व्यू। श्रीनगर के साथ साथ पूरा डल लेक का भी व्यू इधर से आ रहा था। देखिए मंदिर का चारों तरफ से कुछ इस तरह का दिखता मुझे है। दिखा रहे हैं मम्मा, देखो उधर कितने सारे ईगल्स उड़ रहे हैं, क्योंकि इधर आते ही हमें ज्यादा ही ईगल बर्ड्स दिखने को मिले थे और ये बहुत ऊपर बहुत ऊंचाई पर उड़ रहे थे और दूर दूर तक आप देख पा रहे होंगे स्नो माउंटेन्स और चारों तरफ श्रीनगर ही दिखता है। श्रीनगर के साथ साथ डल लेक, ये जो बीच में एस जैसा दिख रहा है ना, ये ही है डल लेक। फिर कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद उधर से हम लोग अभी जा रहे हैं नीचे और अभी आप देख रहे होंगे अभी भी बहुत सारे लोग ऊपर की ओर जा रहे हैं। बहुत से लोग जैसे कि छोटे बच्चों से लेकर एजेड लोग, हर कोई इधर आ रहा है, हर कोई कश्मीर घूमने आ रहा है क्योंकि कश्मीर है ही इतनी खूबसूरत। अभी हम जा रहे हैं अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन दैट इज परी महल। परी महल यानी कि परियों की महल में कैसे फ्लोर्स बने हुए रहते हैं, तो इधर भी मतलब परी महल में भी ऐसे ही 3-4 फ्लोर्स थे। तो हम अभी नीचे वाले फ्लोर पे हैं, फिर हम एक एक फ्लोर ऊपर की ओर जाएंगे। श्रीनगर में जितने भी गार्डन्स या फिर ऐसे ही परी महल वाली जैसे भी जगह हैं, इधर आप अप्रैल महीने के बाद ही अगर आएंगे तो आपको थोड़ा बहुत
फूल खिले हुए मिलेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप आओगे जैसे कि जनवरी फरवरी में, इधर कुछ भी नहीं होगा। हम है इसके ऊपर वाले फ्लोर पे, जिस फ्लोर से हम एंट्री किए थे उसके जस्ट ऊपर वाला फ्लोर है ये, और इस फ्लोर से व्यू कुछ इस तरह का दिखता है। और इसके ऊपर भी आप देख रहे होंगे, इसके ऊपर भी और एक फ्लोर बना हुआ है। तो इधर बहुत अच्छे अच्छे फूल्स खिले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चारों तरफ अच्छा माउंटेन का व्यू भी आ रहा है, माउंटेन का व्यू, उसके साथ साथ थोड़ा सा ग्रीनरी। और थोड़ा सा आप लेट से आएंगे ना, जैसे कि मई जून में, उस टाइम पे और भी थोड़ा अच्छा लगेगा, और भी ज़्यादा ग्रीनरी लगेगा। ऐसे ही हम लोग घूम रहे थे और आप देख सकते हैं कि एक एक पेड़ में ऐसा है कि सिर्फ फूल है, पत्ते ही नहीं है, लेकिन सिर्फ फूल ही फूल है। जितने भी फ्लोर्स थे, ये है सबसे ऊपर वाला फ्लोर का व्यू। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है चश्मे शाही गार्डन। चश्मे शाही कोई कोई बोलते हैं, कोई कोई चश्मा शाही भी बोलते हैं। फेमस होता है मेनली एक नेचुरल स्प्रिंग के लिए। इधर एक नेचुरल स्प्रिंग यानी कि झरना है, जिससे पानी कहाँ से आता है ये तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन यहाँ पे जो भी आते हैं वो इसका पानी जरूर पीकर जाते हैं। और इसके चारों तरफ का व्यू आप देख सकते हैं, पेड़ पे कितने अच्छे कलर के फूल खिले हैं, कहीं पे एकदम पिंक कलर, कहीं पे एकदम वाइट कलर। इसका व्यू बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और अभी हम जा रहे हैं वही स्प्रिंग के पास। स्प्रिंग से जो भी पानी आता है वो नीचे तक ऐसे ही चैनल्स के थ्रू जाता है, क्योंकि ये नॉर्मली माउंटेन रेंज पर होता है, तो इसीलिए इधर पानी का बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इधर पानी पे लोग ऐसे ही नेचुरल स्प्रिंग के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। यही है वही स्प्रिंग जहाँ से पानी आता है। आप देख सकते हैं लोग बोतल में पानी भर के भी लेते हैं, पानी पीते हैं। तो हम भी थोड़ा सा पानी ट्राई कर लिए। टेस्ट वैसे तो ठीक ठाक ही था, जैसे कि मिनरल वाटर के जैसा। हम सब थोड़ा थोड़ा पानी चख लिए थे। अभी हम पहुंच गए हैं हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। नेक्स्ट डेस्टिनेशन यहाँ से थोड़ा सा पैदल हमको जाना पड़ेगा, लगभग 1 किलोमीटर पार्किंग से चलने के बाद आप पहुँच जाएंगे ट्यूलिप गार्डन पर। ट्यूलिप गार्डन डल लेक से टोटल 7.5 किलोमीटर दूरी पर है। गार्डन जो होता है इसको एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन भी माना जाता है। और इधर जितना टूरिस्ट घूमने आते हैं उतना ही लोकल लोग भी घूमने आते हैं। और सामने का व्यू आप देख सकते हैं, रोड के किनारे जो पेड़ हैं, हर एक पेड़ पर अलग कलर के ब्लूम देखने को मिल रहा है ना, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, कहीं पे येलो कलर, कहीं पे पिंक कलर, ऐसे ही। तो अभी हम गेट के पास पहुंच गए हैं जहां पे कि हमको टिकट लेना पड़ेगा। यहां पे जो टिकट मिल रहा था वो 75 रुपीज पर पर्सन था। और अभी हम एंटर कर चुके हैं ट्यूलिप गार्डन पर। वो जो ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है वहां पे एकदम लंबा पे बहुत सारा ट्यूलिप देखने को मिलेगा। ये वाला जो ट्यूलिप है ये कुछ कुछ अभी ब्लूम हुए हैं, कुछ कुछ अच्छे से ब्लूम हुए हैं। बहुत ही वैरायटी के कलर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये थोड़ा सा नीचे वाला का जो नज़ारा है, अभी हम जैसे ऊपर जाएंगे वहाँ पे और थोड़ा सा। तो जैसे कि हम लोग ऊपर की ओर जा रहे थे और अभी हम पहुँच गए हैं ऊपर वाले सेक्शन पर। और यहाँ पे पहुँचते ही मुंह से बस एक ही वर्ड निकल रहा था, जस्ट लुकिंग लाइक ए वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक ए वाओ।
अपनी आंखों को विश्वास ही नहीं हो रहा था, मतलब उम्मीद से कई गुना ज्यादा ही खूबसूरत, ब्यूटीफुल, क्या ही बोलूं मैं, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। ये ट्यूलिप गार्डन जो है ये एक 7 टेरेस का स्लोपिंग ग्राउंड है और ये पूरे साल में सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 दिन के लिए खुलता है, मतलब साल भर यहाँ पे कुछ और होता ही नहीं है, क्योंकि ये वाले मिट्टी को वो लोग साल भर प्रिपेयर करते हैं ट्यूलिप के लिए, जो कि इस टाइम पे यानी कि इस साल ये खुला था। और यहाँ पे देखिए पिनू कितने अच्छे से यहाँ पे कूद रहा है, इसको भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, क्योंकि इसको हम बीच बीच में पूछ रहे थे कि पिनू बताओ ये कौन सा कलर का फूल है, ये कौन सा कलर का फूल है, तो वो भी बता रहा था कि यहाँ पे है पिंक कलर, येलो कलर, रेड कलर, हर एक कलर। ये जो गार्डन है इसका नाम एक्चुअल में इंदिरा गांधी ट्यूलिप मेमोरियल है, और यहाँ पे जो ट्यूलिप फेस्टिवल होता है वो कश्मीर ट्यूलिप फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। तो आप अभी देख रहे होंगे कितना गजब का व्यू है, कितना खूबसूरत लग रहा है। वही ट्यूलिप को आप जितना भी देखो ना, हर एक फूल का एक अलग ही बात होती है। और यहाँ पे कितने देर तक आप बैठ के देख लो, कितने देर तक आप एंजॉय कर लो, लेकिन फिर भी मन नहीं भरेगा। जहाँ भी देखो, लेफ्ट साइड में देखो ट्यूलिप्स, राइट साइड में देखो ट्यूलिप्स, हर जगह पे सिर्फ ट्यूलिप्स ही ट्यूलिप। और यहाँ पे एक बड़ा सा फाउंटेन लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, और चारों तरफ का नज़ारा मैं आपको दिखा देती हूँ। पहाड़ों के बीचों बीच एक ऐसी स्लोपिंग ग्राउंड वाला एरिया है, जहाँ पे देख सकते हैं आप कितना दूर दूर तक लाइन में खड़े हैं ट्यूलिप्स, और इनको उगाने में कितना मेहनत किए होंगे जो लोग भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स होते हैं वो कितना मेहनत किए होंगे इतना सुंदर गार्डन बनाने के लिए, है ना। इस गार्डन पर चाहे वो ट्यूलिप हो, चाहे वो पेड़ हो, और चाहे वो पेड़ के पत्ते भी क्यों ना हो, हर एक चीज इतना ब्यूटीफुल लग रहा था। और यहाँ पे देख सकती हैं येलो कलर का फ्लावर थोड़ा सा अच्छे से ब्लूम नहीं हुआ था, किसी किसी जगह पर कोई कोई कलर का फ्लावर अच्छे से ब्लूम हो गया था। तो हम लोग गए थे फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल को, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में नज़ारा कुछ इस तरह का था। फिर जैसे आप थोड़ा सा लेट करके आएंगे, फिर धीरे धीरे इसका लाइफ स्पैन जो है वो बहुत कम होता है, इसीलिए तो साल में इतना कम टाइम के लिए खुलता है, क्योंकि ये फिर धूप जितना ज़्यादा होगा ना ये फिर मुरझा जाएंगे, फिर गार्डन इतना अच्छा नहीं लगेगा। देखिए अभी पिंक कलर का एक गाना ट्रेंडिंग कर रहा है ना, गुलाबी साड़ी, तो ये पिंक कलर का फ्लावर बिल्कुल उसके जैसा ही लग रहा है। लास्टली फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप कश्मीर विजिट के लिए आ रहे हो तो ट्यूलिप गार्डन जरूर विजिट करें, और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।